वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 24 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ट्राइफेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय उद्योगों ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने किस शहर में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाब इमरजेंसी पावर्स इम्परेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स नामक पुस्तक कितनी आपातकालीन शक्तियों पर बहुत कम तुलनात्मक अध्ययनों में से एक है? तो यह 3 आपातकालीन शक्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण जीता है? तो ये जीता है 10वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में बाद 2019-20 के लिए कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए किस शहर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो यह है किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव बनर्जी ने किस राज्य का मंत्रिमंडल छोड़ दिया है? ये छोड़ दिया है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 300 प्रमुख सहकारी समितियों में इफको की रैंक क्या है? तो इफको की रैंक है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को मुफ्त में बुनियादी नैदानिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस शहर में मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की है? तो ये शुरू की है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को निम्न में से किसने उड़ीसा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड बीपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। भारत अफ्रीका व्यापार परिषद भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में से कितने व्यापार कार्यालय खोलेगा? तो ये खुलेगा 13 कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर है? तो ये हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने DSS स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। DSS में D का क्या अर्थ है? D है डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किसने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद NEC की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता की है अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 16 कारों वाले प्रत्येक रेक के साथ कितने रेक के वंदे भारत जैसे ट्रेन सेटों की निविदा को अंतिम रूप दिया है? तो ये है 44 सेटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर इंजीनियरिंग मैनुअल 2020 को अपनाने की मंजूरी दी है। मैनुअल में कितने अध्याय हैं? तो मैनुअल में है 29 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो समूह किस राज्य के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख प्रशासन ने किस स्थान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो यह है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने किसको ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है जस्टिस दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी ग्रासिम ने पेंट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 वर्षों में कितने रुपए के प्रारंभिक जलसेक को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है 5,000 जलसेकों को।